उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लग चुकी है और तिथि भी निर्धारित हो गई है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट निर्णायक होगा, लेकिन ये संयोग कहा जाए कि माघ मेला के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी एक साथ चलेगा। विधानसभा चुनाव के लेकर जो संतों का रुझान है, जो संत क्या चाहते हैं कि इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश का ताज किसके मंदिर बनाए हैं हम उनको बुलाएंगे। ये संतों की अपेक्षा है, संत कहते भी हैं, जो राम मंदिर बनाए हैं हम उनको बुलाएंगे, फिर से भारत माता का तिरंगा लहराएंगे, बिगड़ी हुई आपदा को एक बार फिर से भारत माता के गौरव को और आगे ले जाएंगे। त्रिवेणी की घाट पर खड़े होकर हम सब जय श्री राम का फिर से नारा लगाएंगे, या तो भारत माँ का सम्मान करें। वैसे भी सारे दल इसमें भाजपा की ओर आ ही रहे हैं, हमें लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि राम राज्य हो जाएगा और जो हम सब की संकल्पना है सब सुखी होंगे, क्योंकि भारतवर्ष का देखिए मकर संक्रांति के बाद से यह संबंध प्रारंभ होगा। लेकिन ये तो आप तय जान लीजिए ना कि हम सब राष्ट्र धर्म हमारा राष्ट्र ये सब सुरक्षित रहे, क्योंकि मेरे जीवन का संकल्प जो है वो राष्ट्र रक्षा है, आतंकवाद मुक्ति है। और आतंकवाद तभी समाप्त होगा जब आतंकवादियों से बचाने वाली सरकार होगी, इसलिए उस सरकार को हम चयन करें, उसके लिए सब लोग सहयोग करें। सबसे मेरी अपेक्षा है मजबूत करें योगी आदित्यनाथ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को। देखिए दो महात्मा हैं, ये संत हैं और संत तो आशा करेगा कि देश का कोई संत। देखिए इनके कार्यकाल में मेरा जो संकल्प आधार 370 समाप्त हो गई, गोहत्या का कानून बना, गंगा जल प्रवाह के लिए एक कानून बनाया गया और अक्षय वट जो है 489 वर्षों बाद हमको दर्शन करते और राम मंदिर 492 वर्षों बाद हमको प्राप्त हुआ। ऐसे तमाम चीज़ें हम सबके संतों के लिए, हमको क्या चाहिए, हमको दृग्माग देती चाहिए, लेकिन जो मेरे राष्ट्र के लिए मेरे धर्म के लिए कुछ करता है उसके प्रति हमारा भी कुछ धर्म होता है, ये हम उनके भी कल्याण के लिए कामना करते हैं। यह मेरी इच्छा है कि वो फिर से ताकतवर हों और ताकत होकर के जो बचा हुआ कार्य है काशी मथुरा उसे पूरा करें। देखिए लगातार अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच में आ रहे हैं, संतों के बीच में भी जा रहे हैं और उन्होंने मथुरा में कृष्ण जी की भव्य मंदिर बनाने की उन्होंने भी बात रखी है। तो इस बार अखिलेश यादव क्या वापसी करेंगे संतों, अगर वो भी धर्म की बात कर रहे हैं क्या संतों का रुझान उनके तरफ जाएगा? देखिए मैं अखिलेश जी का बहुत मानता हूँ क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, होनहार मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर वो वास्तव में आज घोषित कर दे महाराज कि मैं मथुरा का मंदिर बनाऊंगा, कल संत समाज की ओर से मैं घोषित करा दूंगा महाराज कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन डरते बहुत हैं महाराज, वो कहने नहीं चाहते खुल के महाराज कि मैं काशी में या मथुरा में मंदिर बनाऊंगा। अगर ये बोल दें तो महाराज उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, संत स्वतः बोलने लगेगा। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे देश के हैं, मेरे परिवार से हैं, मेरे समाज के हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, होनहार हैं, उन्हें बोलना चाहिए भगवान कृष्ण का मंदिर मैं चलकर की जन्मभूमि में बनाऊंगा। कल बोलते महाराज, परसों आके मेरा स्टेटमेंट दे दीजिए, हम चाहेंगे मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन बोले तो बोलने नहीं चाहते। पत्नी किसको डर रहे हैं, क्या डर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए उनको लगता है महाराज ना कि देश का जो राष्ट्रीय मूलतंत्र है वह हमसे अगर जुड़ेगा भी तो महाराज जो देश के अन्य लोग हैं जो अल्पसंख्यक है उनका बड़ा भय उनको रहे, पता नहीं कहाँ से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भय उनको नहीं करना चाहिए, वो निर्भीक हो गए, अल्पसंख्यकों के भय से नहीं बोलते हैं कि हमें उनका वोट मिलता रहेगा और मैं मुख्यमंत्री बनता रहूंगा, इसी चक्कर में कुर्सी चली गई। अगर अब की बार बोल दें कुर्सी मिल जाए, उन्होंने बोल दिया है मतलब नहीं मंदिर बनाएंगे, कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाएंगे ये कह देना भाई, वो कहे कि राम जन्मभूमि की तरह मैं भी कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे और कल चले जाएं जाकर के वहाँ घोषित करें, वो पहुँचे मथुरा, मैं भी मथुरा पहुँच जाऊँगा और समर्थन कर दूंगा, लेकिन बोलने नहीं चाहते। न कांग्रेस बोलती है, न बसपा बोलती है, न सपा बोलती है, ये लोग डरते हैं, ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। जो देश को विभाजित करेगा संत कैसे उसके साथ खड़ा होगा? हमें सबके कल्याण सबके विकास के लिए सरकार चाहिए। आप देख सकते हैं हम सब किसी के एक हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, बड़ी बात कहना चाहता हूँ मैं आप चैनल के माध्यम से, जो विश्व के कल्याण की बात करता है। हर धर्म अपने कल्याण का जय बोलता है और संत विश्व के कल्याण की जय बोलता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध जो भी हैं हम सब के कल्याण की जय बोलते हैं, मैं तो वो धर्म को स्वीकार करता हूँ। फिर हम अखिलेश जी का कल्याण क्यों नहीं चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि को घोषित करें तभी, नहीं करेंगे कैसे हो सकता है? महाराज जी मेरा आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कई पंचवर्षीय चुनाव लड़ी, काफ़ी मेहनत किया, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का कमान संभाला और कांग्रेस का कहीं ना कहीं आपसे एक मिलाव भी रहा है और आप भी लगातार कहीं ना कहीं कुछ बयान आपके मैंने सुना है, तो उत्तर प्रदेश को आप कांग्रेस को किस तरह देख रहे हैं? और प्रियंका होनहार प्रतिभा है, इंदिरा गांधी जी के परिवार की वंशज हैं, उनको अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहिए, देश को मजबूत करना चाहिए, देश के काम आना चाहिए और देश को बचाने के लिए राष्ट्र को बचाने के लिए उन्हें दो कदम स्वार्थ से ऊपर हट के बोलना चाहिए। हमें लगता है कि अगर वो इस श्रेणी में आ जाए
तो बहुत जैसे जैसे वरुण गांधी जी, मेनका गांधी उसी परिवार से थी, आज जय श्री राम का नारा गाती हैं, प्रियंका जी को भी राम जन्मभूमि के दर्शन करने नहीं गई और हनुमानगढ़ी चली गई, एक प्रश्न पैदा कर दिया। उनको वहाँ जाना चाहिए था क्योंकि उनके पिताजी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री थे, योग्य प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। तो कैसे आपने भूल कर दिया कि अपने आप पिता के मंदिर पर नहीं गए? आप राजनीतिक सोच में कैसे डूब गए, कैसे भूल हो गई? ये छोटी छोटी चीजें कांग्रेस को बड़ा नुकसान करती हैं। और महाराज जी, मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे, और लगातार आप प्रदेश में कहीं ना अन्य जनपदों में दौरा भी करते रहते हैं, माहौल की अगर हम बात करें तो इस बार सभी पार्टियां मतलब पूरी ताकत झोंक दी, तो एक संत के नाते अगर आपसे पूर्वानुमान अगर आप लगाए तो सीएम फिर से कौन बनता है? देखिए, अभी तक जो स्थिति है उसमें है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम लला के काम आए हैं वो उनकी सरकार बनेगी। अभी तक जो सर्वे आ रहा है, जो संतों की स्थिति है, जो भक्तों की स्थिति है, जिससे तय हो रहा है कि अभी भाजपा की सरकार बनेगी, अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और हमें लगता है कि निश्चिंत रहना चाहिए, 10 मार्च को फिर कमल खिलेगा और देश में रामराज्य स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ ये मौनी महाराज थे जिन्होंने सीधे स्पष्ट रूप से ये चीज़ें कह दिया है कि जो राम को लाया है उन्हें संत समाज फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना देखेगा। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।